हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ शेफ मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, बजट के बारे में, उसके इनकाउंट के बारे में। जी हाँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ तो जॉगिंग के हिसाब से। चलिए आपको बता देता हूँ कि किस तरह से कलेक्शन प्रेडिक्शन सभी चीज़ें होंगी। सबसे पहले इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 30 करोड़ बताया जा रहा है, जिनमें से 7 करोड़ प्रमोशन में गए हैं। तो करीबन 30 करोड़ का बजट एक रीज़नेबल बजट है मेरे हिसाब से। और उसको जो स्क्रीन काउंट जो पता चली है वो 1800 के ऊपर है, यानी कि 1800 के ऊपर इसका स्क्रीन काउंट है। तो स्क्रीन काउंट भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है और करीबन 2.25 घंटे की फिल्म है, जो टाइम भी अच्छा है। और इसे डायरेक्ट किया है राजा कृष्ण मेनन ने, जिन्होंने इसके पहले एयरलिफ्ट बनाई थी अक्षय कुमार के साथ। एयरलिफ्ट एक अच्छे डायरेक्टर है, तो बिल्कुल ट्रेलर तो मुझे ही पसंद आया, लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है। अब फिल्म की ओवरऑल स्टोरी जहाँ तक की बात की जाए, ये फिल्म रीमेक है 2014 की फिल्म शेफ का, जिसमें जॉन फेवरी नज़र आए थे, जिन्होंने जंगल बुक जैसी फिल्म भी डायरेक्ट की है। बहुत अच्छे डायरेक्टर एक्टर हैं, तो फिल्म तो अच्छी होगी ही, नो डाउट। और इसके जो फर्स्ट रिव्यूज़ भी आ रहे हैं वो भी अच्छे खासे आ रहे हैं, 3.5 स्टार्स। तो ऑल मेरे ख्याल से फिल्म अच्छी है और फिल्म कम से कम ज़्यादा तो नहीं लेकिन अपना बजट रिकवर कर सकती जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ फिल्म के बारे में, आई होप आपको काम आएगी, आपको सही लगा होगा डिटेल्स। मुझे लग रहा है कि अच्छी फिल्म साबित होगी, भले ही फाइनेंशियली ज़्यादा काम ना करे। और सैफ अली खान के डूबते कैरियर के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिल्म है। कुछ और न्यूज़ अपडेट पता चली तो आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय। मैं जॉगिंग कर लूँ थोड़ा, है कि नहीं? बाय बाय।